नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस जे ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको लेवल दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन का, उसका क्या हुआ। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी 36,200 के आसपास ओपन हो सकती है गैप अप, और आप यहाँ पर चेक कर सकोगे कि उसने ओपनिंग किया है 36,300। तो मैंने आपको पहला लेवल जो दिया था 36,200 वो अचीव हो गया गैप ओपन होते ही, और दूसरा ताकि मैंने दिया था 36,680 के करीब ये वाला, और आप उसका हाई चेक करोगे तो उसका हाई मारा है फ्रेंड्स 36,611, यानी 70 से 80% ये भी हमारा अचीव हो गया। आइए देखते हैं अब सोमवार को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा लेवल को निकाल लेता हूँ, इसको भी निकालता हूँ। ओके, और 50 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, 50 मिनट के चार्ट में आप देखोगे कि लास्ट कई सेशन से गैप अप ओपन हो रहा है। अब हम फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं आज मंडे के लिए। ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, मुझे लगता है इसको थोड़ा ये सही है ऊपर की नीचे की तरफ। और डाउन की साइड में देखते हैं हम फ्रेंड्स, ओके, ये हमारा रहेगा फ्लैट जोन। इसका मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। डाउन की साइड में ये रहेगा हमारा 36,350 और अप साइड में रहेगा फ्रेंड्स 36,550। राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं हम। अगर बैंक निफ्टी सोमवार को इसी जोन में ओपन होता है और किसी भी एक तरफ यानी अप साइड या डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो वो बड़ा मूवमेंट दे सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। तो आइए देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है अप साइड में, फिर डाउन साइड में देख लगते हैं फ्रेंड्स। अगर 36,350 डाउन के साइड में ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होके तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स, सीधा टारगेट उसका आ सकता है 36,250। दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 35,000 तो नहीं लेकिन 36,050। इसको भी ब्रेक करेगा तो ये जो गैप पड़ा है डाउन के साइड में उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, जिसका लेवल है 35,800। ये डाउन के साइड में लेवल हो गया फ्रेंड्स। इसका प्राइस मार्क कर देता हूँ 36,250। दूसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड पर 36,050, और इसको 36,000 ब्रेक करेगा तो 35,800 डाउन के साइड में आ सकता है। और अप साइड में हम चेक करेंगे फ्रेंड्स कि अप साइड में पहला टारगेट हमारा रहेगा फ्रेंड्स 36,650। दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अप साइड में, चार्ट बहुत लंबा हो गया है तो कैंडल को देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 36,650 के बाद लेते हैं हम ये वाला 36,800। और दूसरा टारगेट भी आ सकता है अपसाइड में 37,000 पकड़ लेते हैं, चलो 37,000। ओके, ये रहेगा हमारा अपसाइड का लेवल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स अपसाइड में 36,560 निकालेगा तो पहला टारगेट आएगा 36,650, दूसरा टारगेट आ सकता है 36,800, और तीसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में 37,000। और अगर गैप अप ओपन होता है 600-700 पॉइंट या 500 पॉइंट, गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन होता है ज़्यादा, और वहाँ पे कोई गैप अप ओपन होने के बाद कोई बेरिश कैंडल बनती है तो उसी बेरिश कैंडल का हाई काम स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाय कर सकते हैं। वैसे ही हम गैप डाउन ओपन होता है ज़्यादा इस लेवल पे
और वहाँ पे कोई बुलिस कैंडल बनती है या हेमर कैंडल बनती है 5 मिनट की, और उसी हेमर कैंडल को नेक्स्ट कैंडल उसकी 5 मिनट की ब्रेक करती है, तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी ये लगती है कि गैप अप वन हो सकता है मंडे के दिन। ओके चलो अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये गैप अप वन हो सकता है 70,200 के आसपास, और उसका ओपनिंग हुआ है 70,200 पे। जो हमारा फर्स्ट लेवल था वो अचीव हो गया, और सेकंड लेवल मैंने आपको दिया था, टारगेट दिया था 70,300, और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 70,344, यानी दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स, और उसका क्लोजिंग हुआ है 70,287 पे। ओके चलो अब देखते हैं कि सोमवार को निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा फ्लैट जोन 70,320। उसका प्राइस लेवल भी लगा लेते हैं हम, अपसाइड में रहेगा ये 70,326, डाउन की साइड में रहेगा उसका 70,250। अगर इसी बीच में ओपन होता है निफ्टी और अपसाइड में 70,320 ब्रेक करेगा, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 4, और पीछे जाना पड़ता है आज। सेवेंटी थाउजेंड थ्री ट्वेंटी ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 70,400 पकड़ लो फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आएगा उसका 70,000, क्या हुआ इसको 450। ये टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको निफ्टी का अपसाइड के ऊपर, बराबर है 450 के करीब। और डाउन की साइड में अगर ये ब्रेक करेगा 70,250 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 70,200, दूसरा टारगेट आएगा उसका डाउन के साइड में 70,100, और अगर ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होगा मार्केट में तो उसका ये जो गैप फिल करने के लिए बाकी रह गया है वो फिल करने के लिए आ सकता है 70,000 तक। राउंड फिगर पकड़ लेते हैं हम 70,000। ओके ये मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स अभी, ताकि आपको आसानी होगा ट्रेड लेने के लिए। ये आएगा 70,400 और दूसरा टारगेट है उसका ऊपर में 70,450, और मुझे ऐसा लग रहा है तीसरा टारगेट भी आपको देना चाहिए 70,000। चलो छोड़ो, नहीं दे रहा हूँ मैं अभी इसको। अपसाइड में 2 टारगेट है, और डाउन साइड में भी हमारा टारगेट है, हमारा पहला डाउन की साइड में रहेगा 70,200, दूसरा रहेगा 70,100, और तीसरा टारगेट रहेगा ये गैप पड़ा है उसको फिल करने के लिए आ सकता है, जिसका टारगेट है फ्रेंड्स 70,000। ये हमारा टारगेट रहेगा 70,000। ओके और अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो हम वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल का वेट करेंगे या शूटिंग स्टार कैंडल का वेट करेंगे 5 मिनट का, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे फुट लेने के लिए। और वैसे ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हम बुलिश कैंडल या हैमर कैंडल का बनने का वेट करेंगे या फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ओके फ्रेंड्स हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे,
सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको अच्छा सेटअप दिखाने वाला हूँ जिससे आप 90% आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। तो हो सके तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मैं वो जल्द ही जल्द मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।